आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम आपको रामायण का पाठ सुनाने जा रहे हैं। रामायण का पाठ कौन सा पाठ है तो आप लोगों से बता रहे हैं कि बालकांड है। तो चलिए रामायण का पाठ सुनते हैं। सीताराम राम सीता सीताराम राम सीता सीताराम राम सीताराम राम सीता राम सीताराम सीताराम राम सीता राम सीताराम जगी बालिका जो कथा सुहाई भरद्वाजी मुनि बर दीने दयाली
निज संभारी रघुनाथ ममे संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम। मैं पुनि निज गुण ज्ञान सुनी कथा जो शुक्र खेत समुझे ही नहीं तसी बालपने तब अति रहो अचेत तोता बगिता ज्ञान निधे कथा राम के मूठ किम समुझे ही जीव जीव चढ़े कली मल ग्रसिते विमूठ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सुमिर सुमिर कर होई पारा तो सिर्फ कलयुग में राम के ही गुण
प्राण आधार हैं और सभी को कहना चाहिए, सभी को रामायण भागवत गीता गाना चाहिए, कहना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो हम माँ भगवती और राम जी प्रभु सभी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हे परमेश्वर, जहाँ जो कोई है स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, खुशहाल रखिए। और कोई भी परेशानी हो तो परेशान मत होइए, हमेशा परेशानियों में खुश रहना चाहिए। और भगवान से यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमको इस धरती पर भेजा है, हर सुख दुख हमको किस तरह, किस उससे हमको सब चीज़ों को, हर एक चीज़ों को त्याग करके सुख दुख को अभी सामना करना है। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। तो हर एक चीज़ में, किसी चीज़ में परेशान नहीं होना चाहिए, उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए। अम्मा भगवती राम जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, सब में, सबके जीवन में सुख शांति और खूब खुशहाली, खूब सारा उलाइए। तो यहीं पे हम विश्राम कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।